चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 है और क्लास 12 से है। यहाँ से क्वेश्चन का वेटेज जो है नीट में 2 से 3 रहती है, तो आप लोगों के एग्जाम में भी यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस रह सकती है, कोई डाउट नहीं करना है। इस चैप्टर में चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो अगर जैसे ही हम हेल्थ की बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पहले हम लोग हेल्थ को देखेंगे फिर डिजीज पर आएंगे। तो अगर हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, अगर हम लोग करते हैं तो इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट मेडिकल लाइन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है हिप्पोक्रेट्स का। किसका नाम आता है? हिप्पोक्रेट्स का। उन्होंने भी अपना एक जो है अपना हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस और थ्योरी में अंतर है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि अगर मैं अपना हाइपोथेसिस दूं, यानी कि बायोवर्ल्ड का कोई अगर हाइपोथेसिस होगा तो ये बायोवर्ल्ड का अपना मानना होगा, इंडिविजुअल, ठीक है। अगर थ्योरी अगर किसी बायोवर्ल्ड ने दिया तो वो थ्योरी जो है पूरा वर्ल्ड के लिए वैल्यूएबल होगा, ठीक है। अब जब थ्योरी कोई देता है तो उन्हें उसका साक्ष्य प्रमाण भी देना होता है, और हाइपोथेसिस देने के लिए अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहता है, किसी और को आपको मनवाना नहीं होता। या सिंपली भाषा में ये कहिए कि अगर आपके बातों को किसी ने नहीं माना तो आप कहिएगा ये मेरा मानना है, बोलते हैं ना कि नहीं ये गलत हो सकता है, तो आप बोलते कि नहीं ये मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है, आप स्वयं पर लेते हो। तो स्वयं वाला चीज जो होता है उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट्स, चलो हिप्पोक्रेट्स के हाइपोथेसिस देखते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने भी अपना एक हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या अंतर है आपको हमने बता दिया। इन्होंने हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि हम किसी को हेल्थ या हेल्दी पर्सन हम उसी को मानेंगे जिसमें कुछ फ्लूड जो है, बॉडी फ्लूड जो है, बॉडी द्रव, फ्लूड को क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। तो कुछ फ्लूड्स उन्होंने बताए थे, कुछ स्पेसिफिक फ्लूड, यानी कि 4 स्पेसिफिक फ्लूड बताए थे कि बोले अगर इन चारों फ्लूड्स का अगर बॉडी में मात्रा या लेवल अगर सही है, जो उन्होंने लेवल एक रखे थे वो भी बताऊंगा आगे, अगर उस लेवल पर उन फ्लूड्स का मात्रा है तो वो क्या है, एक हेल्दी पर्सन है, उसका हेल्थ अच्छा है अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। वो 4 फ्लूड क्या क्या बताए थे इन्होंने, पहले वो नोट डाउन कर लीजिए। पहले इन्होंने बताए थे येलो बाइल, चार प्रकार के बॉडी फ्लूड्स इन्होंने बताए, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लोजन। अगर ये चारों की मात्रा अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में अगर जो एक लिमिट मात्रा है अगर लिमिट में रहती है तो वो क्या है, हेल्दी पर्सन है। और इन्हीं चारों बॉडी फ्लूड्स को इन्होंने क्या कह दिया, ह्यूमर्स कह दिया, ठीक है, ह्यूमर्स। इन्हीं 4 बॉडी फ्लूड को इन्होंने ह्यूमर्स कहा कि ह्यूमन बॉडी में जो है 4 प्रकार के बॉडी फ्लूड्स होते हैं, ठीक है। अगर इन चारों की लेवल फिक्स है तो उसे एक हेल्दी पर्सन कहा जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी एक घट बढ़ जाता है तो क्या होगा, वो हेल्दी नहीं रहेगा, उसे किसी न किसी प्रकार की डिजीज हो या आपको इलनेस रहेगी, ठीक है। सपोज दैट इन्होंने बताया कि अगर किसी मनुष्य में ब्लैक बाइल बढ़ जाता है, अगर किसी मनुष्य में ब्लैक बाइल बढ़ जाता है तो वो किस चीज, अगर ब्लैक बाइल बढ़ता है तो उसके शरीर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दैट मीन्स कि उसे फीवर लगी है। अगर किसी मनुष्य को फीवर लगी है तो उसके बॉडी में जो है क्या ज्यादा रहेगा, किसकी मात्रा इंक्रीजिंग रहेगी, ब्लैक बाइल की, जो कि आपके एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है ये, ठीक है, मैं कहीं से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेस्ड पूरी तरह से एनसीईआरटी पर है। तो चलिए इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एग्जाम्पल भी सेट किया था, ठीक है।
है, जिसको ब्लैक बाइल की मात्रा जिसके बॉडी में बढ़ी हुई है तो वो हॉट पर्सनैलिटी कहलाएगा। दैट मीन्स कि उसको क्या है, फीवर है। इसके अकॉर्डिंग हिप्पोक्रेट्स ने एक हेल्थ की एक जो ओवरऑल डिफिनेशन होती है जिसको लेकर के हेल्थ को एक दिया जाए, एक सामने प्रेजेंट किया जाए कि हाँ ये अगर चीज नहीं है तो हेल्दी पर्सन नहीं है, तो उसके प्रोस्पेक्टिव में उन्होंने ये बातें कही जो कि आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही लाइन है। ठीक है, अब इस बात को लेकर के आगे जब चला गया तो पहले तो कुछ दिन मान लिया गया कि हाँ चलो हो सकता है, लेकिन था तो इसी क्रम में एक और नाम आता है, विलियम हार्वे, जिसको आप लोग 11th कक्षा में पढ़े होंगे। विलियम हार्वे याद आ रहा है कुछ? कहां पर याद आ रहा है विलियम हार्वे? ब्लड सर्कुलेशन याद आया? विलियम हार्वे, नेक्स्ट साइंटिस्ट है विलियम हार्वे। ये बोले क्या तुम गाजा फीक के कुछ भी फूक दे रहे हो? ठीक है चलो हम चेक करते हैं, आपने जो हाइपोथेसिस दी है पहले तो थ्योरी कहलाता था। ठीक है, ये अपने मतलब हिप्पोक्रेट्स बोलते कि ये थ्योरी ही समझिए इसको, लेकिन बाकी लोग जो है इनको हाइपोथेसिस समझते थे तब तक, क्योंकि ये एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। क्योंकि ये अगर किसी भी चीज़ को अगर आप बना करके देते हो तो उसका हर तरफ से जांच परख होती है। ठीक है, और जो आपके विरोधी होते हैं वो तो कितने प्रकार से जांच देंगे उनका छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो उसी क्रम में एक और साइंटिस्ट आता है विलियम हार्वे। छोटा नहीं दिख रहा है विलियम हार्वे? ठीक है, और याद रखना विलियम हार्वे ने क्या दिया है भविष्य में, यानी कि 11th में, 11th में इन्होंने क्या दिया है, ब्लड सर्कुलेशन ना। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ब्लड सर्कुलेशन इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? इन्होंने क्या कहा, विलियम हार्वे ने क्या कहा कि ठीक है इसकी हम जांच करेंगे, आप जो है ऐसे बोल रहे कि नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे। इन्होंने क्या किया, 10 को जो है जिसका बॉडी टेम्परेचर हाई था उसको पकड़ के लाया, बोला कि चलिए ठीक है इसका जो है हम ब्लैक बाइल जो है वो नापते हैं, निकालिए सबका। सबका चेक किया गया तो किसी का ब्लैक बाइल नहीं बढ़ा हुआ था, नॉर्मल था। अब बोला ठीक है बाकी को भी ब्लैक बाइल जिसका बढ़ा बढ़ा हुआ है उसको लाइए, उसको लाया गया, उसका चेक किया तो ब्लैक बाइल तो उसमें शरीर में बढ़ा हुआ था लेकिन उसे किसी प्रकार की फीवर थी नहीं। तब जा करके क्लियर किया गया कि ये जो हाइपोथेसिस है ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये हेल्थ की डिफिनेशन नहीं हो सकती है कि एक ब्लैक बाइल के आधार पर हम बोल दें कि हाँ ये डिजीज है और इसके बाद इसको हम हेल्दी पर्सन होने से हटा नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद विलियम हार्वे ने अपना क्या किए, थ्योरी रखे और क्या किए, लेकिन उससे पहले क्या किए, हिप्पोक्रेट्स के थ्योरी को गलत किए। ठीक है, तो एक लाइन लिख लीजिए, क्योंकि दूसरे के चीज को गलत करने में दूसरे को आजकल बड़ा मजा आता है। आजकल के क्या बात है, पुराने बूढ़ों सभी यही काम कर रहे थे तो। ठीक है, लिखिए विलियम हार्वे डिसअप्रूव किसको, डिसअप्रूव कर दिया विलियम हार्वे, गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को। डिसअप्रूव मतलब क्या होता है, अप्रूव मतलब एक्सेप्ट, डिसअप्रूव मतलब रिजेक्ट, मतलब गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि थर्मामीटर ला करके चेक किया था सबके बॉडी में टेम्परेचर, कि देखते हैं टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंग बाइल है बढ़ा हुआ कि नहीं बढ़ा हुआ। तो लिख सकते हैं दे यूज, पेन थोड़ा सा पतला कर लिया जाए,
इन्होंने क्या किया कि पहले बुलाया उन सभी को, जैसे कि हमने बताया पहले भी, वैसे लोगों को इकट्ठा किया जिसके शरीर में ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ी हुई थी, ठीक है, ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ी हुई थी। और उसके बाद जो है उसके बॉडी का टेम्परेचर माप रहा था, किससे, थर्मामीटर से, कि देखते हैं, क्योंकि हिपोक्रेट्स ने बताया कि जिसमें ब्लैक बाइल बढ़ी रहेगी उसकी जो है बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे कि फीवर उसे हो गया है, ठीक है, दैट मीन्स कि अब वो हेल्दी नहीं रहा। तो इसीलिए विलियम हार्वे ने क्या किया, थर्मामीटर से सबको चेक किया कि लाओ चलो चलो तुम भी टेम्परेचर दिखाओ, टेम्परेचर दिखाओ। पता चला कि सबका टेम्परेचर नॉर्मल है, ब्लैक बाइल शरीर में बढ़ा हुआ तो भी। तो इसका मतलब निकल के आया कि एक हेल्दी पर्सन होने के लिए ब्लैक बाइल वाला जो पैरामीटर्स दिया गया है किसके द्वारा, हिपोक्रेट्स के द्वारा, वो बिल्कुल ही निराधार है, मतलब उसकी कहीं भी सत्यता की प्रमाणित नहीं हो रही। दैट मीन्स कि आपका गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इज टोटली रॉन्ग। क्या, टोटली रॉन्ग मतलब पूरी तरह से गलत है। हिंदी वाले को कोई दिक्कत नहीं ना, क्या बोले, नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है, यहां से मैं पढ़ रहा हूं, विथ हाई अमाउंट ऑफ ब्लैक बाइल एंड ही फाउंड दैट पर्सन हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ब्लैक बाइल की जो अमाउंट है यानी कि मात्रा जो है वो पर्सन के शरीर में बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी टेम्परेचर जो थी वो नॉर्मल थी, दैट मीन्स की फीवर नहीं था उनको। तो क्या ये पैरामीटर काम किया, ब्लैक बाइल वाला, वो जो फोर प्रकार के उन्होंने बॉडी फ्लूड्स बताए थे, क्या वो काम किया, वो पैरामीटर्स रहा, नहीं रहा ना, तो ये गलत हो गया। अब विलियम हार्वे ने जो अपना थ्योरी दिया वो क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है, हेल्थ को लेकर के थ्योरी जो दिया वो वैलिड हो गया। तो आगे चलते हैं और हेल्थ वाला थ्योरी पढ़ते हैं। क्या इतना लिख लिया आप लोग, नॉट डाउन हो गई है, चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। चलिए, हेल्थ का डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया बताइए, हेल्थ का डेफिनेशन किसने दिए, हेल्थ किसे बोलेंगे, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, याद रखिएगा कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड हेल्थ, जस्ट नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज, केवल एब्सेंट डिजीज के एब्सेंस के कारण हम नहीं बोल देंगे कि वो हेल्दी है। हेल्दी होने के लिए क्या होना चाहिए, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ठीक है, पूरी तरह से आपके फिजिकल मेंटल एंड सोशल क्या होनी रहनी होगी, फिट रहनी होगी, तभी हम उसे बोलेंगे कि एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक मानसिक, वह स्थिति जिसमें पूर्ण, हिंदी में लिखिए इसका हेल्थ का, वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक संपन्नता हो, शारीरिक मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, ना कि केवल बीमारियों का पीड़ा का होना, स्वास्थ्य कहलाता है। हो गया, केवल शरीर में बीमारी नहीं होने को ही हम हेल्दी नहीं बोल देंगे, शरीर में बीमारी नहीं होना चाहिए, साथ ही कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग होना चाहिए। क्लियर, चलिए अब डिजीज टर्म आ ही गया तो डिजीज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आगे हेडिंग डालिए डिजीज, डिजीज का हिंदी क्या होता है, रोग ना, क्या रे, वॉइस जा रही कि नहीं जा रही है,
तो डिजीज के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? डिजीज इज ए कंडीशन वेयर वॉइस जा रही है ना? वॉइस जा रही है नहीं जा रही है? चलिए, रिकॉर्डिंग भी नहीं स्टार्ट हो रही है, अभी जस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हैं। फिर एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का। इसमें हमने देखा कि हेल्थ का डिफिनेशन देने पहले कौन आए थे? हिप्पोक्रेट्स आए थे। हिप्पोक्रेट्स ने अपने चार पैरामीटर रखा कि अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी में अगर ये चारों चीज एक मात्रा में प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक हेल्दी पर्सन है। वो चार चीजें क्या थी? वो चार बॉडी फ्लूड्स थी जिसे ह्यूमर्स कहा गया, ठीक है। वो चार बॉडी फ्लूड में पहले नाम आते हैं येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लोगेन। तो इसमें से उन्होंने बताया, जो कि एनसीईआरटी का लाइन भी है, कि अगर किसी पर्सन में ब्लैक बाइल की मात्रा अधिक है तो वो हॉट पर्सनैलिटी कहलाएगा। और हॉट पर्सनैलिटी होने का मतलब है कि उन्हें फीवर है, ठीक है। तो उसके बाद जो है, विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट आया, जो कि ब्लड सर्कुलेशन भी दिए हुए हैं, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है। उन्होंने इस थ्योरी को जांचने के लिए क्या किया, आपको नीचे में लिखा हुआ है कि थर्मामीटर के प्रयोग से, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जितने भी ब्लैक बाइल बढ़े हुए पर्सन थे, जिसके बॉडी में ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ था, उनको सबको इकट्ठा किए और थर्मामीटर से उनका जो है बॉडी टेम्परेचर चेक करने लगे। तो बहुत सारे ब्लैक बाइल वाले ऐसे थे जिसके बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल थे। दैट मीन्स कि हिप्पोक्रेट्स ने जो पैरामीटर्स रखे थे कि ब्लैक बाइल बढ़ेगा तो उसको बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, दैट मीन्स कि उसको फीवर रहेगा, वो तो फ्लॉप कर गया। तो जो हिप्पोक्रेट्स का थ्योरी था कि हेल्थ को हम इस प्रकार से डिफाइंड करेंगे तो वो गलत हो चुका। तो अब आए विलियम हार्वे ने अपना थ्योरी दिया, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया, यानी कि गलत साबित किया। और इन्होंने जो अपना हेल्थ का डेफिनेशन दिया, हेल्थ का डेफिनेशन इन्होंने क्या दिया, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग दैट कॉल्ड हेल्थ, नॉट ओनली फॉर डिजीज फ्री। यानी कि अगर किसी वस्तु, किसी भी मनुष्य में गला क्यों फंस रहा, अगर किसी मनुष्य में केवल डिजीज नहीं होने को ही हम उसे स्वस्थ नहीं मान लेंगे या हेल्दी पर्सन उसे नहीं मान लेंगे। कोई डिजीज, एक तो पहला ऑप्शन की डिजीज तो नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए। दूसरा और अन्य जो है वो चीजें हमें क्या क्या देखनी होगी कि वो फिजिकली सही हो, यानी कि कोई भी हिस्सा उसका शरीर के कोई भी अपंग ना हो। मेंटल यानी कि मानसिक रूप से वो क्या हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से तनाव नहीं हो, गुस्सा ना रहे हो, ठीक। और तीसरा जो सोशल वेल, दैट मीन्स कि वो समाज में किस तरह के माहौल बना करके रखते हैं, समाज में किस प्रकार के समन्वय बना के रखते हैं। अगर इन चारों चीजों से वो फिट है तभी उसे एक गुड हेल्दी पर्सन या गुड हेल्थ बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके विलियम हार्वे के अकॉर्डिंग जो है ये जो थ्योरी आया हेल्थ का, ये अप्रूव्ड रहा और अभी तक चल रहा है, ठीक है।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर डिजीज की जब बात आई है तो अब हम लोग समझते हैं कि डिजीज क्या होती है। तो अब डिजीज की तरफ पढ़ते हैं। डिजीज का हिंदी होता है रोग, सभी को पता है। डिजीज किसे बोलेंगे? डिजीज इज ए कंडीशन वेयर एन ऑर्गेन और ऑर्गेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अगर शरीर के कोई अंग या अंग तंत्र या फिर कोई अन्य हिस्सा शरीर का अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि काम नहीं कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि इस अंग को किसी न किसी प्रकार की डिजीज हो गई है। ठीक, समझ में आया? किसी को दिक्कत तो बताइए। क्या ब्लैक बाइल आपके बॉडी फ्लूड है? जिस तरह से ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रकार का बॉडी फ्लूड है। रक्त जो है आपके शरीर में वो क्या है, एक बॉडी फ्लूड है ना। उसी प्रकार से ब्लैक बाइल भी बॉडी फ्लूड है, येलो बाइल भी बॉडी फ्लूड है। येलो बाइल का सिग्नेशन कहां होती है, याद कीजिए, पित्ताशय से। पित्ताशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वहां से येलो निकलता है कि नहीं निकलता है? ब्लैक बाइल कहां से निकलता है? क्या बोल रहे थे सर? हाँ बोलिए। नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, हाँ, यानी कि रेगुलर काम नहीं करता है। ब्लैक बाइल जो है वो कहां से निकलेगा? पेनक्रियाज या अदर ऑर्गेन से। ठीक है, वो सारे क्या है, एक प्रकार के फ्लूड है। जिस प्रकार से बॉडी में हमारा ब्लड जो है वो फ्लूड है, येलो बाइल जो है वो भी एक प्रकार का फ्लूड है। तो ये फ्लूड्स का उन्होंने पैरामीटर्स रखे थे। क्या अभी तक समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब हम लोग डिजीज देखते हैं। डिजीज कितने प्रकार के होते हैं, डिजीज के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, अब सभी को पता है। अब हम लोग ह्यूमन डिजीज देखते हैं। आपका नेटवर्क हो सकता है इशू हो, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए अपने नेटवर्क को। डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं, डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? कौन कौन से बताया आप लोगों ने? वो अलग चीज है। ठीक है, पहले जो आपको ह्यूमन डिजीज जो मिलेगा, फर्स्ट डिजीज जो आप देखेंगे वो दो प्रकार से देखेंगे। एक तो जेनेटिकल डिजीज हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे हो, और दूसरा एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, तो पहला हम लोग बोलेंगे जेनेटिकल डिजीज। और दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग? एक्वायर्ड डिजीज। ठीक, दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड डिजीज। अब जेनेटिकल डिजीज हमने जैसे कि बताया कि वो क्या होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहेंगे। ठीक है, तो दूसरे पेज में हम लोग चलते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, डिसऑर्डर अगर एक एक में हो गया तो वो क्या होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ब्लड क्लाइंडनेस हो गया, ये सारे।
ठीक है। क्या शो हो रही है जेनेटिक डिसऑर्डर्स? इतना छोटा दिखाई पड़ जा रहा है कि नहीं पड़ रहा? ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक्वायर्ड डिजीज किसे बोलेंगे? हमारे पास स्पेस नहीं रहने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? चलिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चलिए, इसको बाद में ही लिख लेते हैं, दूसरे पेज में ही लिख लेते हैं। जो हम एक्वायर्ड करते हैं अपने लाइफ के दौरान, अपने हमारा जो जीवन अवधि है उसके दौरान जो हम एक्वायर्ड करते हैं उसे ही, वही एक्वायर्ड डिजीज कहलाता है। तो अब लिखेंगे हम लोग, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक्वायर्ड डिजीज के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कुछ। जैसे कि अगर मैं एक्वायर्ड डिजीज बोलूं तो इसके बारे में आप लोग क्या बताइएगा? दीज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ऐसा थोड़े कि हम लोग को बच्चे में ही कॉल्ड होती है, कॉमन कॉल्ड जो होती है या चिकन पॉक्स वगैरह, क्या बचपन में ही होती? नहीं होती है ना, लाइफ साइकिल तक चलते रहती है। बच्चा में भी होगा, बूढ़े में भी होगा, जवानी में भी होगा, कभी भी हो सकती है। ये सारा क्या कहलाएगा? एक्वायर्ड डिजीज कहलाएगा। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज को दो टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन से बता सकते हैं कोई? कम्युनिकेबल, वॉइस सही से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कम्युनिकेबल, और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलेंगे? जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से चले जाए। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई एक बीमार है, वहां पर आप चले गए तो आपको भी हो जाएगा। लाइक कोरोना, याद आया? कोरोना के टाइम में कोई चाहता था कि कोरोना वाला पेशेंट के पास मैं जाऊं? नहीं ना। तो वो सब क्या कहलाएगा? ये बोल रहे हैं कि वो क्या कहलाएगा? तो बोल रहे हैं 2 गज की दूरी मास्क जरूरी। कोरोना के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछ रहे हैं। 2 गज की दूरी मास्क जरूरी हो गया, वो टाइम गया, बहुत ही बुरा समय था लेकिन टल गया। समय कोई भी हो गुजर ही जाता है। वॉइस जा रही, कट गया, इसलिए हम बार बार पूछ रहे क्योंकि ब्लूटूथ जो है कई बार इशारा कर चुका है कि मैं मर रहा हूं, मर रहा हूं। चलो अब ऐसे ही देखते हैं, वॉइस जा रही है ना ठीक ठाक?
टेक्निकल से बताओ। स्क्रीन रुका हुआ है, सो नहीं हो रही है। चलो अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। कम्युनिकेबल का, कम्युनिकेबल के बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिखते हैं। These are transmitted जिसमें कौन कौन से आ जाएंगे, आपके चिकन पॉक्स आ जाएंगे, एड्स आ जाएंगे, कॉमन कोल्ड आ जाएंगे, ये सभी क्या होंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है, उसके संपर्क में आने से एक व्यक्ति से क्या भाई क्या नहीं जो वो नहीं होता है गोल गोल वो भी जाके शरीर जाके शरीर में शरीर रगड़िएगा, देखिएगा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। वायरस से होता है सर चिकन पॉक्स। ठीक है, तो चिकन पॉक्स भी इसका कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल में मतलब कौन जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेट नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दीज आर छोड़ो ना, इतना काहे लिखोगे अलग अलग बना के, उसी को लिख दो, नो लगा दो बस, हाँ यहाँ पर नोट लगा दो। अरे चले आ जाओ, चलो हो गया, यहाँ पर नोट लगा लो, नोट लगा दीजिए। इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे, आर्थराइटिस, एलिफेंट आशीष, कैंसर, बहुत सारे हैं। ठीक है, टाइफाइड, जो भी आप नाम चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। टाइफाइड नहीं आएगा, तो आज हम फिलहाल यहीं पर रहने देते हैं, कल आप लोग इम्यूनिटी पढ़ के आएंगे पूरे, और उसके बाद हम लोग डिजीज पर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बाद जो है हम लोग डिजीज पर चलेंगे पूरी तरह से, और फिर सारे जितने भी डिजीज है सबको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज फिलहाल इतने पढ़ेंगे क्या, टाइफाइड नहीं ना होगा, किस में होता है,